जय माता दी ओम साईं काल का। जैसे कि आप सबको पता लगा है कि हमारे नकोदर वाले लाडी साईं जी और जाहर पीर बाबा बागड़ वाले का मंदिर बनाया जाएगा, तो उसके लिए जमीन ली जा रही है। कृपया करके आप सभी सहयोग करें। आप सबके सामने स्क्रीन पे नीचे सारी डिटेल दी गई है। आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सबके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा। कृपया करके सभी आगे आए। जय माता दी। नीचे शरीर में छोटे 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 दाने भी निकल के आ जाते हैं। यही बैठी है बच्ची है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, सफेद पानी की दिक्कत रहती है, कमर में दर्द रहता है और इन्फेक्शन जलन वगैरह खुजली वगैरह हो जाती है। अच्छा करो बच्ची को, उस बच्ची को अपने ही अंदर से अजीब सी बदबू आती है। आई हूँ बच्ची सामने। बेटा गुरु कौन है तेरा? गुरु कौन है? ऊंचा बोलना उनको बोलो, मतलब मानती किसको? हाँ गुरु, हाँ गुरु कौन है तेरा? गुरु याद नहीं है? गुरु याद नहीं है? गुरु याद नहीं है? बेटा पूरी संगत जानती है, तू असत्य बोल रही है। जिसको मानते हो तो अभी तुम्हारा गुरु है, बताओ। तेरा गुरु कौन है? माता को मानती हो? माँ मारती तो करती होगी, मुझे इतना नहीं पता। बेटा तेरे गुरु का तूने सर पे हाथ रखवा रखा है, ऐसे कैसे तुझे नहीं पता? क्या गुरु क्या ऐसी ही कोई चीज है बाजार में मिलने वाली जो लेकर के छोड़ दिया और भूल गए, या सामान है घर में रख दिया कहीं पर और भूल गए? अच्छा माँ कभी हमने किसी से करवाया था जब परेशानी रहती थी, जब करवाया था। बेटा अपने गुरु के ऊपर तुम्हारे ऊपर गुरु दोष लगा हुआ है। घर बर्बाद है तुम्हारा पूरा, शरीर बर्बाद है तुम्हारा पूरा, शक्तियां तेरी चलती नहीं है, उल्टी सीधी चीजें बताती है तुझे, वो तू करती है और परेशान होती जाती है तू। हाँ माँ सही है बिल्कुल। माँ जब तो आपके पास आई हूँ, आपके पास मुझे बता दो रास्ता। बाबू कहीं पे भी जाओ, यहाँ आने के बाद कौन सा रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। लेकिन मैं तेरे की बात कहूंगी कि माँ बाप एक होता है, खसम एक होता है। गुरु एक छोड़ के दूसरा बदलने का मतलब होता है एक खसम छोड़ के दूसरे खसम के पास जाना, समझे? तो खसम एक ही होता होगा। फिर ये क्या बना रखा आजकल, आए आज एक पकड़ दिया, कल दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया। पार लगना होगा तो एक से भी लग जाएंगे। गलती बेटा तेरे ऊपर गुरु दोष है, तेरे घर में चीजें पड़ी हुई मिली थी, उसके बाद से तेरा घर बर्बाद होता जा रहा है। तेरे घर में बेटा जी हवन हुआ था, उस हवन के बाद तो घर में हालत और ज्यादा खराब है। और रही बात तूने कहीं पे संकट भी कटवाया था, तेरा इलाज नहीं हुआ है। बेटा जी इलाज करवा दे, सच्ची का संकट कटवा देना, जुद्धती करवा देना, हाजिरी करवा देना, और साथ में ओम धूम दुर्गा नमः इसका जाप करवाना शनिवार के शनिवार, जब अपने घर पे करे हवन के साथ 108 आहुति के साथ इसका हर शनिवार, यानी कि 11 शनिवार तुझे करना है बेटा जी। मामा ने चाहा तो तेरा घर सीधा हो जाएगा, अपने गुरु ढूंढ ले। आगे भाई जकारा तिल्ली वाली का, जकारा चौक चौराहे वाली का, जकारा मामाई के प्यारों का। नाम बता दे अपना, इससे पहले और कहाँ इलाज चलाया था? चलाया भैया कई दफा धक्के खाते खाते। हटा दियो वहाँ से सामान। नाम बोल अपना। संतोष। तेरे घर वाले का नाम? अशोक। और तेरे ससुर का नाम? सुंदरलाल। बेटा घर में काली मिर्ची का हवन करना शुरू कर 11 दिन, मामा ही ने चाहे तो 11 दिन के अंदर अच्छी खबर आ जाएगी।
और रही बात अपने घर से सुबह की पहले मिट्टी लेकर के आना, उसके बाद बताएगी क्या दिक्कत है। और जो तेरे बच्चों का घर नहीं बस रहा है बेटा जी, ये किसी का बंधवाया हुआ है, काली मिर्च का हवन 11 दिन करेगी, उससे तेरा बेटा सारे रस्ते खुल जाएंगे। मामाई पे तो झाड़ू चढ़ा जाइयो, पीरों का दीवा बढ़ा जाइयो बेटा जी, अरदास जरूर लगा के जाना, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। आगे भाई सुखी कौन आया है यहाँ पे, कहाँ बोला जल्दी जल्दी, क्या होगा क्या, पहले बोलने से पहले सोचा करो ना, जहाँ जाते हो वहां कभी कुछ बोल जाते हो, कभी कुछ बोल जाते हो, जब तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो जब तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। ये तो राख की चुटकी से भी मान जाएगी, सोना चांदी से थोड़ी मानती है ये। आया कुछ याद, पता सब कुछ है तुम्हें, पता तुम्हें सब कुछ है, मम्मी बार बार चोरी हो जाती है। बोलने से पहले 10 बार सोचा करो, सोना चांदी बोलने से काम होते होंगे, जिसे सोना चांदी लेना होता उसे सोना चांदी भी लेती है, हीरे जवाहरात भी लेती है, फिर देने के टाइम पे लालच तो नहीं आना चाहिए। क्या बोला था मामाई का सोने का तूने, तूने मामाई का सोने का क्या बोला था, और फिर जब वो नहीं दिया तो तेरे घर में जरा सा भी नहीं बचा, नहीं माँ सारा काम चला गया, वही तो जब याद ही नहीं रहता बोलते क्यों हो, कोई मकान का काम हुआ था तेरा, लिया था ना, तो उसको क्या कहते हैं फिर, मामाई बोल रही है माँ का गहना बोला था तूने, समय आने पे दिया नहीं है और तुझे पता था देना है फिर भी तूने नहीं दिया, मामाई ने सारे ही गहने तेरे हटा दिए, इतने सीधे नहीं हो बच्चा, पहली बार आई है यहाँ, कैसे पता भक्तनी को, फिर यहाँ भक्तनी को कैसे पता तेरा सामान गया है, या भक्तनी को कैसे पता कि तूने कहीं पर बोला है जाकर के ये चढ़ा देंगे वो चढ़ा देंगे, सुन बेटे अब नहीं बोला तो फिर ठीक है ना, भगवती ने ले लिया अपना जिस तरीके से लेना था, मेरे पास किस लिए आई है जल्दी बोल, नाम बता अपना, पूनम, तेरे घर वाले का नाम, धनंजय पंडित, और तेरे ससुर का नाम, धर्मदेव पंडित, से शरीर तो मेरे शरीर से ज्यादा कष्ट है, 3 दिन की हाजिरी भर 11 दिन की जोत कर, अरदास लगा के जा 3 जगह चल करती हूँ तेरा काम, और केले के पत्ते पे ओम दुर्गाय नमः लिख करके पानी में सिराना है 3 शनिवार, चलो आगे आओ भाई, केले के पत्ते पे लिख के जो ओम दुम दुर्गाए 3 शनिवार जाके सिराएगा, महामाई उसके बंद रस्ते खोल देगी, जितने भी उसके कार्य हैं कार्य जो बनने लगेंगे, बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि काम करने लगेगी, गुस्सा शांत होने लगेगा, घर में बेटा जी लक्ष्मी के दरवाजे खुल जाएंगे और महामाई की जोत पत्ती का भी मन करने लगेगा। आगे भाई, माँ शादी के वो बात लड़की की फोटो आती है खत्म हो जाती है, बात बात बन नहीं रही है, केले के पत्ते पे जिसकी शादी नहीं हो रही है उस बच्चे की फोटो हल्दी से सान करके 2 सुच्चे मोतियों के साथ बांध करके मूली के साथ और अपने कुल देवी देवता पितरों का नाम लेकर के ठंडे जल में सिरा देना 3 बार, वीरवार के दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए भाई, साथ में अरदास लगा के जाना अपने गुरुओं की। माँ घर में कुछ दिखता है मेरे को खुली आंखों से, 2 बार 3 बार दिख रहा है, मम्मी को भी दिख रहा है, मिट्टी लेके आना घर से, आगे भाई, मम्मी को पहली झाड़ू की मिट्टी।